Hello everyone, I am Brijesh. In this video, we are going to start class 8 math, exercise 13.2 with question 11. In this question, we have a school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. So, here in a school, mein 8 periods hote hain and 1 period ka jo duration hai, wo yahan par hai 45 minutes. Next, yahan par, how long would each period be? If the school has 9 periods a day, agar स्कूल में 8 की बजाय 9 पीरियड हो जाए तो यहां पर 8 की बजाय 9 पीरियड हो जाए तो यहां पर एक पीरियड कितने मिनट का होगा हमें ये फाइंड करना है नेक्स्ट यहां पर अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम तो यहां पर जो टाइम है वो यहां पर सेम रखा जा रहा है तो यहां पर हमें जो गिवन है ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड तो हमें यहां पर जो ड्यूरेशन गिवन है वो यहां पर है 45 मिनट और नेक्स्ट यहां पर नंबर ऑफ पीरियड पीरियड कितने होते हैं यहां पर 8 पीरियड होते हैं अगर 8 पीरियड होते हैं तो एक पीरियड यहां पर है 45 मिनट का तो नेक्स्ट यहां पर इन्होंने क्या किया है 8 की जगह पर इन्होंने 9 पीरियड कर दिए तो यहां पर हमें बताना है कि एक जो पीरियड है वो यहां पर कितने ड्यूरेशन का होगा हमें ये फाइंड करना है तो यहां पर फर्स्ट हमें ये फाइंड करना होगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में है अब यहां पर देखिए जब पीरियड यहां पर 8 है तो यहां पर जो टाइम है एक पीरियड का तो यहां पर 45 मिनट है अगर जब पीरियड यहां पर 9 हो जाएंगे पीरियड यहां पर इंक्रीज हो जाएंगे तो यहां पर जो टाइम है वो यहां पर डिक्रीज हो जाएगा इट मींस जब एक यूनिट इंक्रीज हो रही है तो सेकंड यहां पर डिक्रीज हो रही है तो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन तो यहां पर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो यहां पर हमें ड्यूरेशन फाइंड करना है तो इसको हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे एक्स तो यहां पर लेट ड्यूरेशन of each period इसको हमने x लेट कर लिया ये मिनट में है तो यहां पर मिनट आएगा x minutes अब यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा तो यहां पर 45 multiply by 8 इक्वल यहां पर हो जाएगा x multiply by 9 तो यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 45 multiply by 8 यहां पर सेम रहेगा एंड अपॉन में यहां पर 9 आ जाएगा x के साथ जो 9 multiply में है इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा अब यहां पर 9 बन जा 9 एंड 9 5 जा होता है 45 तो यहां पर 5 रह गया एंड 8 रह गया तो 5 की मल्टीप्लाई हम 8 से कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 40 8 5 जा होता है 40 तो x इक्वल टू यहां पर आ गया 40 मिनट तो यहां पर जो एक पीरियड है उसकी ड्यूरेशन यहां पर है 40 मिनट हो जाएगी अगर पीरियड हम 8 की जगह पर 9 कर दें तो इस वे से आपको इस वाले क्वेश्चन का सलूशन करना है आई होप इस क्वेश्चन का कांसेप्ट आपको बहुत इजीली क्लियर हुआ होगा